हाय एवरीवन, इट्स मी नुशरा जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 21 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तैयंग के साथ मीटिंग करने के बाद गुकी कंपनी से बाहर निकलकर स्पोर्ट कार के तरफ ही जा रही थी, तभी उसकी आँखें जोंगकुक और उसके सन के ऊपर जाती हैं। गुकी मन ही मन कहती हैं, मैं जो सोच रही हूँ क्या वो सही है? क्या एक किम जोंगकुक है? गुक जोंगकुक और आयन को करीब से देखने के लिए चलकर उसके पास जाने लगती है। गुकी इस वक्त लाइट कलर के ड्रेस और हाई हील पहनी हुई थी। गुकी जोंगकुक के पास आकर उसके ऊपर आंखें घुमाते हुए कहती है, तुम यहाँ कंपनी में क्या कर रहे हो और अपने साथ बच्चे को क्यों लेकर आए हो तुम? इस वक्त तुम सड़क के भिखारी जैसा लग रहे हो। क्या तुम्हें तैयंग घर से बाहर निकल दिया है? लगता है अब वो तुमसे बोर हो गया है और इस बार तैयंग सच में तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है और इसी वजह से तुम यहाँ आए हो तैयंग से भीख मांगने के लिए, राइट? जोंगकुक गुकी को इग्नोर करके आयन को लेकर कंपनी से निकलकर बाहर जाने के बारे में सोचता है। तभी गुकी कहती है, ओ रिमेम्बर, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम ये डिजर्व करते हो। यू डिजर्व इट। तैयंग को बहुत पहले ही तुम्हें घर से बाहर निकल देना चाहिए था, या फिर तुम्हें उसी दिन मर जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हें सिरों से नीचे धकेल दिया था। अच्छा होता उस दिन तुम और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मर जाते। तुमने तेई को मुझसे छीन लिया है। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चा भी सफ़र करना डिजर्व करता है। इसी के वजह से तैयंग तुम्हें छोड़ नहीं रहा है। जोंगकुक आयन को अपने आर्म्स में कैरी करके रखा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो साइन लैंग्वेज और हैंड जेस्चर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जोंगकुक के एक हाथ में मोबाइल फ़ोन था। म्यूट होने के साथ साथ जोंगकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। जोंगकुक फ़ोन पर रिकॉर्डिंग ऑन करके रखता है। इस बार जोंगकुक गुकी को तैयंग के सामने पूरी तरह एक्सपोज करने के बारे में डिसाइड कर लिया था। जोंगकुक नहीं चाहता कोई उसे गुकी के साथ कंपनी के बाहर खड़े देखे और रिपोर्टर फिर से तैयंग और उन दोनों को लेकर कोई न्यू र्यूमर्स क्रिएट करे, क्योंकि जोंगकुक नहीं चाहता कि उसके हस्बैंड के साथ फिर से गुकी के नाम जोड़े। जोंगकुक इग्नोर करने का नाटक करके कंपनी से निकल कर जाने लगता है। जोंगकुक आयन को लेकर फिर से उसी कॉफ़ी शॉप में आ जाता है। गुकी भी उसे फॉलो करते हुए कॉफ़ी शॉप में एंटर करती हैं और डायरेक्ट आकर जोंगकुक के साथ सेम टेबल पर बैठ जाता है। गुकी जोंगकुक के हाथ से कॉफ़ी मग छीन कर टेबल के ऊपर रख कर कहती हैं, तुमने बताया नहीं तुम यहाँ अपने बेटे के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम तैयंग को ढूंढने आए हो? हाँ, सच बताओ, क्या तुम तेई के पास जाना चाहते हो अपने सन को लेकर? उसे यहाँ लाने का यही मकसद है ना कि तेई अपने सन को देखकर कमज़ोर हो जाए और तुम्हें वापस अपने घर में रख ले। एक कहकर गुकी गुस्से में जोंगकुक के टी शर्ट पकड़ कर खींचने लगती है। जोंगकुक गुस्से में उसके हाथ दूर पुश कर देता है। जोंगकुक अपने ठंडे आँखों से गुकी को डेंजरसली घूरने लगता है। अगर ए उसके बस में होता तो वो अभी इस औरत को जान से मार देता, लेकिन वो कोई मर्डरर नहीं है। एंगर और अनहैप्पीनेस उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। गुकी फिर से कहती है, डोंट ड्रीम, मैं बस यह तैयंग के इनवाइट करने पर आई थी। हम दोनों ने ऊपर साथ में कंपनी बिल्डिंग में डिनर भी किया। उसने मुझे बताया कि वो तुमसे तंग आ चुका है, अब वो तुमसे सच में डिवोर्स लेना चाहता है। ये सुनकर जोंगकुक डिसबिलीव से गुकी को घूरने लगता है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, तैयंग मुझे नहीं चाहता, ठीक है वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है, ये भी ठीक है, लेकिन आयन का क्या? ते अपने सन को भी नहीं चाहता। जोंगकुक बिल पे करके शॉप से बाहर जाने के बारे में सोचता है। जोंगकुक आयन के लिटिल हैंड अपने लार्ज हैंड में होल्ड कर एक तक उसके इनोसेंट चेहरे को घूरने लगता है। गुकी फिर से कहती है, जोंगकुक तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम फ्यूचर में अपने इस लिटिल सीट को लेकर तैयंग के लाइफ में वापस ना आओ। तुम
तुम और तुम्हारा एक चाइल्ड ओनली तयंग को सीख फील करवाता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जोंगकुक को शांत देखकर गुकी अचानक रुक जाती है। उसे जोंगकुक के ऊपर डाउट होने लगता है। गुकी एंगर में दांत पीसते हुए हाथ उठाकर जोंगकुक को थप्पड़ मारने जाती है। तभी जोंगकुक टाइटली उसके हाथ पकड़कर ट्विस्ट कर देता है, जिससे गुकी दर्द से चिल्लाने लगती है। जोंगकुक तुरंत रिकॉर्डर सेव कर फोन जेब में रखकर आयान को अपने गोद में कैरी करता है और बिना किसी हेजिटेशन के कॉफी शॉप से बाहर आ जाता है। जोंगकुक के जाने के बाद गुकी एम्बरेस्ड होकर आसपास नजरें घुमाकर शॉप से निकलकर सीधा अपने स्पोर्ट कार में आकर बैठ जाती है और वहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाती है। जोंगकुक रोड पर खड़े होकर टैक्सी के लिए इंतजार कर रहा था। जोंगकुक नहीं जानता है कि उसे अभी कहाँ जाना है, लेकिन वो इतना जान गया था उसे विला में वापस नहीं जाना है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, अगर डिवोर्स में चाइल्ड कस्टडी भी शामिल है और ओल्ड मिसेस किम एन को उसके मादर से अलग करने के बारे में सोच रही है, तो कोर्ट में फोन रिकॉर्डिंग बहुत बड़ा एविडेंस होगा ये प्रूफ करने के लिए कि तयंग को उसके सन से कोई लगाव नहीं है। इनफैक्ट वो ये बच्चा नहीं चाहता और शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे वुमेन के साथ मिलकर उसने अपने ही हस्बैंड को चीट किया। तब आयान के कस्टडी ऑटोमेटिकली जोंगकुक के पास आ जाएगा। जोंगकुक कहता है, इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा तुमने तयंग। अगर आज गुकी मेरे पास आकर ऐसा बकवास नहीं करती, तब तुम्हारे कंपेयर में एक केस में कभी विन नहीं कर पाता। लेकिन मुझे अभी भी मिस गुकी के बात पर भरोसा नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम हम दोनों को छोड़ना चाहते हो। जोंगकुक सैड फेस के साथ आयान को घूर रहा था। आयान कहता है, मम्मा डोंट क्राई, डैड लव्स यू एंड आयान ऑल्सो लव मम्मा। जोंगकुक आयान के लिप्स पर किस कर अपने आईज ब्लिंक करता है। तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकता है। जोंगकुक कॉन्फ्यूज लुक से कार के तरफ देखता है। तभी कार के विंडो नीचे करके जिन विंडो से सिर बाहर निकल लेता है। जोंगकुक के सामने इस वक्त जिन के एविल और चार्मिंग हैंडसम और ब्राइट चेहरा एक्सपोज हो चुका था। जिन कहता है, क्या किम फैमिली तुम्हें फिर से एम्बरेस कर दिया है। जिन जोंगकुक के साथ आयान को देखकर और ज्यादा चौंक जाता है। जोंगकुक, तुम आयान के साथ इस वक्त रोड पर क्या कर रहे हो तुम, कहीं तुमने घर तो नहीं छोड़ दिया ना। जोंगकुक जिन के बात पर हेड शेक करता है। जिन कहता है, चाइल्ड के साथ घर छोड़ने का आइडिया सबसे ज्यादा बेकार था, तुम प्रेग्नेंट हो और आर्म्स में चाइल्ड को कैरी करके रोड पर खड़े हो, तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें किम्स के पावर के बारे में पता नहीं है, वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा। जोंगकुक के आईज अब बहुत ही ज़्यादा हेवी हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। जिन कार के डोर ओपन करके कहता है, बच्चे को लेकर अंदर आ जाओ, तुम जानते हो ना तुम्हारे लिए मेरे घर के डोर हमेशा खुला है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे घर चलो। जिन जोंगकुक के आंखों में डाउट देखकर कार से बाहर निकलकर जोंगकुक के पास आकर कहता है, आई प्रॉमिस ये सीक्रेट रहेगा, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, तुम और आयन मेरे घर पर सेफ हो। जिन के फेस पर ब्राइट स्माइल देखकर जोंगकुक उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरे तरफ योंगी ऑफिस वर्क खत्म कर फाइनली अपार्टमेंट पहुंच चुका था। ऑलरेडी रात के 8 बज चुके थे। योंगी जैसे ही एलिवेटर से बाहर आया, योंगी तयंग को घर के बाहर खड़े देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। इस वक्त तयंग के हैंडसम फेस पूरी तरह अंधेरा और शेडो में डूबा हुआ था। ब्लैक सूट में तयंग हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा हॉट और चार्मिंग लग रहा था। तयंग के एक हाथ उसके जेब के अंदर था और दूसरे हाथ से तयंग सिगरेट पकड़े हुए था। योंगी चाबी से डोर ओपन करते हुए तयंग से कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ, आज यहाँ मेरे अपार्टमेंट में
डायरेक्टर किम तयंग इस वक्त क्यों आया है? क्या आज आप फ्री हो कि सीधा मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए? व्हाट इज़ द मैटर मिस्टर किम तयंग? तयंग सिगरेट जमीन पर थ्रो करता है और इसे अपने पैरों से कुचलते हुए कोल्डली पूछता है, व्हेयर इज़ जोंगकुक? तभी योंगी नोटिस करता है तयंग के पैरों के आसपास काफ़ी सारे सिगरेट के बड्स पड़े थे। इसे एक क्लियर हो जाता है कि तयंग यहाँ बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। योंगी कहता है, क्या जोंगकुक तुम्हारे हस्बैंड नहीं है? इसका क्या लॉजिक बनता है? तुम इतने रात को मेरे घर में आकर मुझसे अपने हस्बैंड के बारे में क्यों पूछ रहे हो? योंगी दिल ही दिल में जोंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। योंगी कहता है, क्या वो घर छोड़कर चला गया है तयंग? तयंग का कोल्ड हैंडसम फेस इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था। तयंग कोल्डली लेकिन शांति से कहता है, क्या जोंगकुक यहाँ नहीं आया? योंगी इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था। योंगी कहता है, वो यहाँ मेरे पास क्यों आएगा? योंगी डोर ओपन कर अंदर आकर ऑफिस बैग काउच के ऊपर रखकर शूज चेंज करते हुए कहता है, डज मिस्टर किम तयंग वांट टू कम इन एंड हैव अ लुक के जोंगकुक यहाँ है या फिर नहीं? मिस्टर किम, क्या आप घर के अंदर आकर एक बार देखना पसंद करेंगे? तयंग डायरेक्टली अपार्टमेंट डोर वाइडली ओपन कर अंदर आकर कमरे की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है। होल लिविंग रूम एम्प्टी था और बेडरूम डोर पहले से ही खुला हुआ था, जिसे कमरे के अंदर आसानी से देखा जा सकता था। योंगी कहता है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि जोंगकुक यहाँ नहीं है, लेकिन जोंगकुक के साथ क्या हुआ? डिड यू क्रूएल विथ हिम अगेन? जब तयंग को पूरी तरह इस बात का तसल्ली हो जाता है कि जोंगकुक योंगी के घर पर नहीं है, तयंग बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तभी योंगी कहता है, क्या तुमने फिर से अपने हस्बैंड को बुली करना स्टार्ट कर दिया है? किम तयंग, एटलीस्ट तुम अपने कंपनी के लीडर हो, अब तुम अपने हस्बैंड को बुली करना स्टॉप कर सकते हो, है ना? तयंग योंगी के तरफ देखकर कोल्ड टोन में कहता है, गुड नाइट। ये कहकर तयंग एलिवेटर के अंदर आ जाता है। योंगी फिर भी लाउडली स्क्रीम करके कहता है, किम तयंग उसे हमेशा बुली करना बंद करो, अगर उसे कुछ हो गया ना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। योंगी तयंग को दिल से नफरत करता है, मैं भी ऐसा इसलिए है क्योंकि जोंगकुक अपने पूरे दिल से और ब्लाइंडली तेई से प्यार करता है और इसीलिए तयंग उसे बार बार हर्ट करता है। तयंग के निकल जाने के बाद योंगी तुरंत अपना मोबाइल निकाल लेता है और जोंगकुक को वॉइस मैसेज सेंड करता है, सिली बॉय अभी तुम कहाँ हो? टेल मी, तुम्हारे हस्बैंड अभी अभी मेरे घर से निकला है, वो यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, तुम घर से भाग गए हो लेकिन तुम मेरे पास नहीं आए, तुम कहाँ हो? आई एम वॉरिड अबाउट यू, इट्स टू मच जोंगकुक, कम आउट। मैसेज सेंड करने के बाद योंगी मोबाइल फ़ोन कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखकर गहरी सांस लेते हुए काउच पर बैठकर जोंगकुक के रिप्लाई का इंतज़ार करने लगता है। जोंगकुक को योंगी के वॉइस मैसेज मिल चुका था लेकिन वो इसे नहीं सुन पा रहा था, वो ऑन नहीं कर पा रहा था क्योंकि अभी जिन उसके साथ है। जिन ह्यूज ग्लास विंडो के पास बैठकर स्मोक कर रहा था और बाहर स्काई के तरफ देख रहा था और जोंगकुक आयन के पास काउच पर बैठा था। आयन काउच पर बैठकर गन टॉय के साथ खेलने में बिजी था। जोंगकुक योंगी के कई सारे मिस्ड कॉल को देखकर फाइनली वॉइस मैसेज सुन लेता है। उसके बाद जोंगकुक योंगी को टेक्स्ट करता है, तयंग मुझे डिवोर्स देना चाहता है। योंगी मैसेज रीड करके तुरंत रिप्लाई करता है, देन लीव हिम। जोंगकुक तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुम क्यों उसके साथ रहना चाहते हो? वो पहले से ही हार्टलेस है, लेकिन पहले तो वो तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता था, अब अचानक वो तुम्हें डिवोर्स क्यों देना चाहता है? क्यों? क्या वो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसके पास रहे, या फिर अब वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है? इट्स टू मच। क्या ये मिस गुक के वजह से है? ऑफ कोर्स ये उसी के वजह से होगा,
उसी के लिए वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है ताकि वो अपने नए प्यार के पास जा सके, है ना? जोंगकुक तुरंत मैसेज टाइप करता है, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। ते चाहे मेरे साथ कितना भी कोल्डली बिहेव क्यों ना करे, वो मिस गुक के लिए मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये सब मेरे मादर इन लॉ के वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं उन्हें कभी अपने वर्क से सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगा। वो खुश नहीं है मेरे साथ और मुझे लाइक नहीं करता, इसीलिए जब उन्होंने डिवोर्स की बात की तब मैं डर गया था। मैं जानता हूँ कोर्ट में चाइल्ड के कस्टडी केस के लिए मैं तयांग से नहीं जीत पाऊँगा, इसीलिए कुछ दिनों के लिए बस विला से दूर रहने के लिए आयन को साथ लेकर घर से निकल आया हूँ मैं। युंगी कुछ भी रिप्लाई करने से पहले थोड़ी देर शांत होकर फ़ोन स्क्रीन को घूरने के बाद मैसेज करता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अभी तुम कहाँ हो और तुम घर से निकल कर मेरे पास क्यों नहीं आए? जोंगकुक मैसेज करता है, क्योंकि तयंग के लिए ये पता लगाना आसान हो जाता कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ, और देखो मैं सही हूँ, वो मुझे ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक आ गया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। योंगी आहे भरकर मैसेज करता है, क्या मतलब कि नेक्स्ट टाइम? तुम इस तरह के चीज़ और कितने बार रिपीट करना चाहते हो और कितना बुली होना चाहते हो उन लोगों से? जोंगकुक युंगी को रिकॉर्डिंग के बारे में बता देता है और उसे रिकॉर्डिंग सेंड कर देता है, ताकि इन केस अगर उसके फ़ोन से रिकॉर्डिंग किसी ने डिलीट कर देता है तो युंगी के पास ये सेफ रहेगा। युंगी कहता है, जोंगकुक तुमने अपने भाई के बारे में क्या सोचा? तुमने जिमिन के बारे में क्या सोचा? सालों पहले उसने जो तुम्हारे साथ किया ये सब अब तेयंग के सामने लाना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद तेयंग जिमिन के साथ क्या करता है, उसे जेल भेज दिया या फिर मार दिया, एक तेयंग के लुकआउट है जिस वजह से तुम्हारे हस्बैंड तुमसे नफरत करता है। इसके पीछे रियल मास्टर माइंड कौन है ये जानने का हक है उसे, और मिस गुक की कंपनी में स्कैंडल ये उसकी खुद की गलती है, इसके लिए उसे अब पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। तेयंग को पता चलना चाहिए, तुम बोल नहीं सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इलिटरेट हो। तुमने कोशिश की गुक से कंपनी को सेव करने की, लेकिन तेयंग उसके स्वीट टॉक में फंस कर फिर से उस पर भरोसा कर लिया कि मिस गुक कंपनी में चोरी नहीं कर सकते। दूसरे तरफ ओल्ड मिसेस किम तेयंग को बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी। तेयंग कॉल उठाकर एंग्री टोन में ऑलमोस्ट अपने मॉम पर चिल्लाकर कहता है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मॉम? मिसेस किम कहती हैं, क्या तुम्हें पता चला कि वो म्यूट कहाँ है? वो मेरे ग्रैंड सन को लेकर कहाँ भाग गया है? तेयंग कहता है, मॉम उसे इस नाम से बुलाना बंद करे। मिसेस किम रोते हुए कहती हैं, उसने मेरे पोते को अपने साथ लेकर गया है। तेयंग कहता है, मुझे पता चल चुका है कि वो इस वक्त कहाँ है, मैं एक घंटे में उसे और आयान को लेकर घर पहुँच रहा हूँ। जिन चलकर जोंगकुक के सामने वाली सोफे पर आकर बैठकर कहता है, क्या तेयंग तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है? जोंगकुक स्लोली हाँ में अपना हेड शेक करता है। जिन कहता है, डिवोर्स हिम एंड मैरी मी कुक। ये सुनकर जोंगकुक के आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है। जोंगकुक तुरंत अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेता है। जोंगकुक अच्छी तरह से जानता है जिन इस वक्त उसके साथ मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तभी जोंगकुक के मोबाइल बाजने लगता है। जोंगकुक को लगा ये युंगी का कॉल है। जोंगकुक कॉल उठाने ही वाला था तभी फ़ोन स्क्रीन पर तेयंग के फ़ोन नंबर देखकर जोंगकुक के होल बॉडी फेयर से नम होने लगता है। जोंगकुक मन ही मन कहता है, उसे इस नंबर के बारे में कैसे पता चला? घर से निकलकर मैंने ओल्ड सिम को ऑफ कर दिया था। जोंगकुक तुरंत कॉल काट कर फ़ोन बंद करने ही वाला था तभी तेयंग उसे वॉइस मैसेज सेंड करता है, किम जोंगकुक कम आउट, डोंट मेक मी एंगर बेबी बॉय। जोंगकुक के हाथ और पैर कांपते हुए देखकर जिन पूछता है, क्या हुआ, किसका कॉल था?
जोंगकुक साइन लैंग्वेज में कहता है, उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। जोंगकुक तेको मैसेज करता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तेयंग कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा, तो अभी डॉक्टर जिन के घर से बाहर निकलो। मैं अपने बच्चे को डराना नहीं चाहता, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, शांति से बाहर आ जाओ। मैं बाहर कार में तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मुझे कार से निकलकर अंदर चलकर आना पड़ा, तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? ये कहकर तेंग कॉल कट कर देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो इस स्टोरी को। गाइस, इतने सारे मेहनत करने के बाद जब मैं आप लोगों की कमेंट्स को रीड करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाती है। और कल आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, मैं सबको रिप्लाई करना चाहती थी, लेकिन स्टोरी एक्सप्लेन करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अभी टाइम क्या हुआ है, अभी सुबह के 5 बज चुका है और अभी मैं सोने के लिए जाऊँगी। मैं दिन में या फिर शाम को पहले की तरह रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी हर तरफ कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट हो गया है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रिकॉर्डिंग करने में। और इसके अलावा हमारे बिल्डिंग मेन रोड के साथ है और यहाँ सुबह होते ही सब कुछ ऑन हो जाता है, नॉन स्टॉप कार के चलने की आवाज़, और फिर स्कूल घर के पास ही है और फिर मस्जिद भी। और आपको पता है अभी मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि रात को सोने का टाइम है, तो बॉडी ऑलरेडी गिव अप कर चुका होता है और सोने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ये साइंस स्टूडेंट ही समझ सकता है। इसमें आप इतने रात को लिप्स मूवमेंट या फिर टांग को मूव करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि टांग बहुत ही ज़्यादा हेवी लगता है। ओके गाइस, तो अब मैं सोने के लिए जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे आइस ओपन करके रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। आई मीन मेरे लिए तो गुड नाइट ही है, और आप लोग जब इसे वॉच करोगे तब भी आप लोगों के लिए गुड नाइट ही होगा, क्योंकि ये रात को 9:30 बजे ही प्ले होगा। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग बेबीज, गुड नाइट, बाय बाय।